संजय छोकर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, सदन के अंदर बिल वापसी जो कानून वापसी का बिल पारित हुआ, लेकिन इस दौरान हंगामा भी चलता रहा। स्पीकर ये कहते रहे कि भाई हम चर्चा करा सकते हैं, लेकिन आप हाउस को ऑर्डर में लाइए, बिना ऑर्डर में लाए ये हो नहीं सकता। तो एक तरफ चर्चा भी चाहते हैं, दूसरी तरफ हंगामा भी कर रहे हैं, ये दो चीजें किस तरह से चलती हैं, जरा दर्शकों को समझाइए। नहीं, कोई दो चीजें नहीं चलती, चल रही थी ना सदन में, आज तो हम देख रहे हैं। देश देखिए, मेरे आपके बोलने से कुछ नहीं होता, पूरा देश देख रहा है पिछले 12 महीने से किसानों के साथ क्या क्या हुआ है, किस तरीके से बगैर चर्चा के बिल लेके आए, किस तरीके से 12 महीने किसान सड़कों पे बैठे रहे, 750 किसानों की मौत हुई और क्या क्या सब कुछ नहीं हुआ किसानों के साथ। तो आज अगर ये बिल वापस ले लिया है तो इतनी दरियादिली प्रधानमंत्री ने दिखाई है। ठीक है, ठीक है। शहजाद पुनावाला हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, ये बताइए कि एक तरह की कैश 22 सिचुएशन है क्या सरकार के सामने भी? किसान आंदोलनरत रहते हैं एक साल तक, उसके बाद कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ता है। अब MSP पर कानूनी गारंटी की जो मांग है वो जोर शोर से आगे कर दी गई और कहा यह जा रहा है कि बिना उसको पूरा किए आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब क्या करेगी सरकार, क्या रुख होगा? देखिए समीर जी, मुझे लगता है कि आपको याद होगा 14 अगस्त का बयान था राकेश टिकैत जी का, उन्होंने कहा पहले कानून वापसी होगी फिर घर वापसी होगी। उसमें अब कई मांगे जुड़ चुकी है, जिसमें कि टेनी जी वाली मांग भी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी संज्ञान ले लिया है, जिसमें और भी कई मांगे हैं जिस पर हमने कार्रवाई कर दी है। MSP को लेकर मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर यहां पर कोई भी किसानों के लिए हमदर्द होगा तो वो बताएगा आपको कि 23 फसल और 6% किसानों को MSP का आज की तारीख में लाभ मिलता है, और उसमें भी 2-3 देशों को ज्यादा। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, वहां पर कितनी गेहूं खरीद होती है सरकार की तरफ से MSP के द्वारा, आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कितनी होती है? क्या इन किसानों की चिंता करनी जरूर हमारे पास जिम्मेदारी नहीं है? क्या ऐसे किसानों की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ले रही है? वो हलफनामे पर लिख कर ले आए कि हमने बोल दिया है फल सब्जी वालों को MSP नहीं चाहिए। हर बार हमसे बातचीत करते हुए ये कह रहे हैं कि आप कानून ले आइए और उसके बाद सबको पालन करना पड़ेगा, आप उसमें सजा का प्रावधान कर दीजिए। तो ये क्या संभव है? क्योंकि हमें याद आ रहा है कि खट्टर ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये मुमकिन नहीं लगता, ये हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। देखिए समीर जी, आज तक इतिहास दर्ज है कि MSP केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से दी गई है, आज तक किसी और तरीके से इसको इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि इसमें कई सारी लीगल बातें हैं जिसको कंसिडर करनी पड़ती है। हम कहां मना कर रहे हैं किसी भी चीज को और हम कहां हां कह रहे हैं किसी भी चीज को, हम कह रहे कमिटी में इन सारे बिंदुओं पर क्या सबसे बेहतर तरीका होगा, सबसे प्रभावशाली MSP और ईमानदार और पारदर्शी MSP व्यवस्था बनाने का, इस पर चर्चा तो करें। क्योंकि आज तक आप देखिए MSP के बारे में सही मायनों में प्रधानमंत्री के अलावा किसने चिंता की है? स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को लागू करना, जो 3 लाख करोड़ का ये लोग धान खरीदते थे, धान और गेहूं खरीदते थे UPA वाले, हमने उसको बढ़ाकर 8 लाख करोड़ किया। जो ये 1500 रुपए रागी का देते थे, हमने 3000 करके दिया। हमने बाजरा को 2500 प्रति क्विंटल दिया। ये राजस्थान में जब किसान मांगने जाता है MSP तो हनुमानगढ़ में पीटा जाता है। लेकिन शहजाद पुनावाला, हैरानी की बात है कि इतना करने के बाद भी किसान दिल्ली के दरवाजे पर साल भर से बैठे रहे, को मारा जाता, इतना करने के बाद भी विश्वास नहीं हुआ उन्हें, कन्विंस नहीं हो पाए। देखिए समीर जी, मैं आपसे कहूंगा कि मैंने कई हजारों किसानों से बात की है, किसान तो अपने लिए वो बहुत खुश महसूस करता है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।